नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भाव्या त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर नकोदर से है, जहां 28 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं नकोदर की डीएसपी सुखपाल सिंह ने बताया कि गांव फजलपुर के रहने वाले इस ढोंगी बाबा ने एक महिला को अंधविश्वास में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नौ बंदों के खिलाफ जी सौ वाल पिंड की एक 28 साल की एक मैरिड लेडी सी तो इन्हें 29 तरीक को एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई सी अपनी भी ये कुछ समय पहले एक बेटी की डैथ हो गई सी तो इन्हू लगता है कि शायद किसी ने कोई जिदा काला जादू वगैरह किया तो वो इलाज वास्ते एक कुलवीर सिंह नाम का जरा जिदा बाबे नहीं होंगे पिंड उदा का सगा इन्होंने उन्होंने कॉन्टैक्ट किया जोड़ा कि अभी रिश्तेदारी के भी सगा हले तो उन्हें इनू वरगला के तो ये जरा रेप कमिट किया जिसके संबंध में ये सिस्टर करके इमीडिएटली तो उन्हों बंदे जो तुरंत जरा गिरफ्तार कर लिया गया। खबर तरन तारण से है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थाना सराय अमानत की पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। गल कोई भी नहीं हुई ये मतलब ये आया ही पिंड में सदे बुलाया इन मैं आ जा दिवाली का वगैरह दुपहरे बजे दिन चल घर आ जा बहने तो वो बंदा मेरा टाइम नहीं फिर उन्हें मेल ही की मैंने आ जरूर आ जा 10 मिनट बह यार और भी सदन उत्तर आने तो चल तू भी आ जाइ उ आंदा चल आ गया आ गए तो एक अद्धा पैग जहा लाया तो मुड़ के आंदा भी मैनू किसी यार मेरे ने इनवाइट किया तो मैं तो वो जाना मैं जब तू जाना तो नाल मैं बेटे ले जा मेरे नाल तो दोवें ने फिर भी दो दो जने आपदा भैन भरा नाल चंगा होंगे जाओ मैं फिर तार दी पीजीआई एडवांस कार्डियक सेंटर में डायरेक्टर विवेक लाल ने प्रिवेंटिव क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सब अपने ऋषि मुनियों के सिद्धांत और मोरल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए मोटापा और नशे को त्यागें। पीजीआई डायरेक्टर प्रिवेंटिव क्लिनिक जिन लोगों को अभी हृदय रोग होने का अंदेशा है उनको बचाने का कार्य करेगा। इसमें तीन डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे, जिसमें कार्डियक डिपार्टमेंट, साइकेट्री डिपार्टमेंट और डायटेटिक्स डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैं डॉक्टर नीलम, असोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। हम आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो कि शायद भारत में वन ऑफ द पहली ही शुरुआत है कि हम सिर्फ जो है मरीजों का ट्रीटमेंट इलाज ही नहीं करेंगे, हम जो है उन लोगों को बचाएंगे कि हृदय रोग उनको ना हो जिनको अभी नहीं है, जिनको सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जो स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, तो हमारा इस क्लिनिक का, इस प्रिवेंटिव क्लिनिक का उद्देश्य एक ही है, आज भी स्वस्थ कल भी स्वस्थ, आज भी दौड़ें और कल भी दौड़ें। तो कोई भी जो है हृदय रोग, हमने ये क्यों हमने शुरुआत किया, एक नंबर वन कि हमारे भारत में हृदय रोग के मरीज सबसे ज्यादा हैं। प्रिवेंटिव क्लिनिक इट इज अ वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट एंड आई मस्ट से कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है जो डॉक्टर नीलम ने इस दौर में लिया है। प्रिवेंटिव क्या है? डाइट, यू आर व्हाट यू ईट। जो हमने गलतियां 40-50 साल की उम्र में करनी शुरू की है वो पेट के अंदर बच्चे कर रहे हैं बिकॉज उनकी माँ गलत खा रही है। सो यू नो प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू डाइट। व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, बिकॉज 70-80% जो आप हो, आपकी काया है, आपकी हेल्थ है, दैट इज व्हाट यू पुट इन योर। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलूंगा और ये बहुत अच्छी शुरुआत है जब हम प्रिवेंटिव क्लिनिक की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको कोट बताता हूँ, जब हम हमारे पूर्वजों की बात है आप याद कीजिए, वो क्या बोलते थे, वो कहते थे ज़्यादातर बीमारी जो है वो पेट से शुरू होती है। आजकल सिनेरियो चेंज हो गया, ज़्यादातर बीमारी दिमाग से शुरू होती है। इट मीन्स लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियां, जिसमें फिजिकल लाइफ की बात तो कर ही रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, जिसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो है साइकोलॉजिकल, दैट इज स्ट्रेस। आजकल अगर सिनेरियो देखेंगे तो स्ट्रेस एक बहुत बहुत पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। बीती रात सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास अमृतसर से हफरा जा रही ट्रेन में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। इस धमाके में 3 लोग और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया है। इस पर जानकारी देते हुए जीआरपी डीएसपी जगमोहन सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रेन में एक बाल्टी थी जिसमें पटाखे रखे थे, अचानक उसमें विस्फोट हो गया जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए। फिलहाल घायलों की हालत अच्छी है और उनका इलाज चल रहा है। ट्रेन नंबर 13006 हावड़ा मेल सी, ये अपनी अमृतसर तो जाती है हावड़े नूं, ते इहदे विच पिछले जनरल कोई दे विच तीन अपने एक बाल्टी थी, बाल्टी विच पटाखे पए सी, उन्होंने कितने अचानक कितने बिजली सिग्नल टच लग गई, तो उसे तीन बंदे एक लेडी जख्मी हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल अपना इतने फतेहगढ़ टॉप दर्शन कराते हैं। की नाम ने जख्मी हुए? जख्मी के नाम ने अजय कुमार है, एक संगीता कुमारी है, उसकी वाइफ है आशुतोष पाल है। अज तकरीबन 10:20 हावड़ा मेल जी एक्सप्रैस जी अमृतसर तो जा रही थी, वो 10:20 तकरीबन ब्लास्ट इंजरी हुई है, जिद कोई 4 पेशेंट उतों इतने सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब एमरजेंसी भी लेते गए हैं, चारा मुढ़ली सहायता दे के जहाँ देखा गया, तो चारों पेशेंट जोड़े हैं आउट ऑफ डेंजर स्टेबल है, उन्होंने कंडीशन स्टेबल। मेरा नाम राकेश पाल है, मैं अमृतसर से आ रहा था, फिर अचानक से ही ट्रेन के अंदर वो मतलब कुछ सामान कुछ था, पता नहीं तार सॉकेट हुए या क्या हुआ, वहीं से पटाखों को फिर से हुआ, फिर पूरी गाड़ी के अंदर धुआं ही धुआं हो गया, फिर मेरे भाई को भी ज़्यादा चोट लग गई, फिर मैंने वहाँ से किसी से मदद भी मांग रहे कि मेरे को कोई हॉस्पिटल ले कुछ बता दो, फिर वहाँ से ला के एडमिट किया। ओला के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी जसविंदर कौर ने विश्व कप में उच्च स्तर का प्रदर्शन करके श्री मुक्तसर साहिब के साथ भारत का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि हाल ही में चीन में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें जसविंदर कौर ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स ड्रैगन बैटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका कहना है कि इस अहम उपलब्धि में गाँव ओला के स्पोर्ट्स क्लब का योगदान है। मैं वाटर स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट गेम करनी आई। वर्ल्ड कप जिहड़ा याईचंग सिटी चाइना दे विच होया सी सर, 30 अक्टूबर तो लैके 27 अक्टूबर तक खेडिया गया सर। इस गेम दे विच वूमेन दियां जिहड़ियां 8 टीमां सी सर और मिक्स दियां सर 12 सीगियां जी। तो इस वर्ल्ड कप दे विच इंडिया का D10 वूमेन 500 मीटर दे विच ब्रॉन्ज मैडल रहा सर। पंजाब तो सर असी 2 लड़कियां सीगियां जी ते 1 लड़का सीगा जी। पूरी चोन हो के जांदा बच्चा तो सानू इन्ना माण है असी दस ही नहीं सकते कि बेटी बहुत जिहड़ी मेहनती है बहुत ज्यादा इन्हें मेहनत की है। घरेलू हालात जिहड़े सीगे बेटी दे बहुत थोड़े जे नरम सीगे, आर्थिक पक्षों जिहड़ा हैगा बहुत कमजोर सी। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर शंभू और खनोरी पर 13 फरवरी से लगातार किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच एक किसान की मृत्यु की खबर सामने आई है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने जानकारी दी। जड़ा मोर्चा साडा 13 फरवरी तो खनौरी शंभू ते राजस्थान दे इलाके च चल रहा हैगा, उहदे विच अज एक होर किसान दी शहीदी हुई आ। बलविंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह मोगे सिटी दा वा, थाणा उहनूं सिटी मोगा लगदा हैगा वा,
72 साल की उसकी उम्र सी। शंभू मोर्चे च बीमार होया, उन्होंने फिर असी नेड़े जड़ा राजपुरे खड़िया, फिर रैफर होकर पटियाले, फिर पी जी आई उत्थे जाके वो शहीद होए ने। उन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह का काम चल रहा। तो केंद्र की बेरुखी करके, मोदी सरकार की बेरुखी करके किसान मोर्चा शहीद हो रहे हैं। ये लगभग 35वीं किसान मजदूर की शहीदी आ, जड़ा अंदोलन दिल्ली अंदोलन दो चल रहा है। लुधियाना में अज्ञात बाइक सवारों ने शिवसेना हिंदू सिख विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकीरत सिंह खुराना के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ਕੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਟਾਕੇ ਪਟੁਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। खेतों में लगातार पराली जलाने से जहां पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है, तो वहीं अब इंसानों की जान भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। खेतों में जलाई गई पराली से लगी आग में एक मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उसमें सवार 2 राहगीर पराली की आग की चपेट में आ गए। एक तरफ हर बार ये दावा किया जाता है कि किसी भी हालत में पराली नहीं जलाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाई जाती है। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੱਲਾ ਨਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਂਸ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ? ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ 3 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਜੈਮਲ ਹੋਏ ਲੱਗੀ? ਸ਼ੋਕੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਆ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜ ਕੇ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ 3 ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੱਲਾ ਹੀ? ਤਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੁਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾ ਘਟਿਆ, ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਾ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਹਾਦਸਾ। ਇੱਕ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਕਮਲ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਬਰਨ ਇਜ਼ ਸੋ ਮੱਚ ਹਾਈ, ਬਟ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ। ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਮਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਜਕਦਮ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਜਕਦਮ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। होशियारपुर के मोहल्ला कच्चा टोबा में स्थित गद्दे के गोदाम में पटाखा गिरने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सारी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से बाजार में भगदड़ मच गई, तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका।
तो वहीं पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी से कार्रवाई की। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया सेगा, पर इहदा सुखद पहलू यह है कि कोई जानी नुकसान का जो खतरा ना हो, मैं कहना वो फिर भी आप सुखद कह दें, लेकिन नुकसान होया लेकिन कंट्रोल भी कर लिया गया। तकरीबन मैं कह सकता दो घंटे तो लगातार, सवा दो घंटे तो लगातार फायर ब्रिगेड दी गड्डिया और तुरंत जिसे फायर ब्रिगेड दी लोकल गड्डिया सारिया मंगाई गई। फोन उस टाइम जो अग लगी उदों आ गया सीगा, साड़ियाँ गड्डिया सारिया जीडिया तैनात कीतिया सी जीडिया दिवाली करके बाहर ही चार पॉइंट बनाए सी बाहर शहर तो जिते पटाके लगे उत्थे कुछ असी अपने जोड़े मेन शहर के चौंक आ उत्थे गड्डिया खड़िया कीतिया स्टैंड बाई जो सब इतलाह मिली तो गड्डिया पहले दो भेजिया अग ज़्यादा सी मुड़ के सारी गड़ी इतने लाती लगे अपने अग बुझाने वास्ते। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख कत्लेआम का आज तक किसी अदालत में न्याय नहीं हुआ, इसीलिए मैं सबसे बड़ी अदालत वाहेगुरु की अदालत श्री हरमिंदर साहिब में पहुंचा और पीड़ित परिवारों के लिए सुख समृद्धि शांति और न्याय की अरदास की। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਅੱਜ ਦਿਵਾਲੀ ਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ दिल्ली समेत देश के वक् वक् हिस्सों में सिखा का बहुत बड़े पद्धर से कतलेआम होया। उन्हां सारे जिहड़े राज साडे विच नहीं गए जिन्हां दे कतल होए उन्हां दे अरदास कीती, उन्हां दे नमित होए और उन्हां दे परिवारों की चढ़दी कला की कामना की कि महाराज उन्हां दे परिवारों की चढ़दी कला रखे और नाल ही महाराज सच्चे पातशाह नूं अरदास कीती है कि वह परिवार वो सिख जिहड़े उन्होंने अज तक जिहड़ा समय दियाँ हुकूमतां जिहड़ी देश ते राज करन वालियां हुकूमतां जिहड़ी वो इंसाफ नहीं दवा सकी। बठिंडा के गांव में पराली जलाने का मामला सामने आया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की ओर से पराली में लगी आग को बुझाया गया। तो वहीं इस मामले में बात करते हुए बठिंडा रेंज के DIG और SSP ने बताया कि अब तक करीब 18 से 20 मामले दर्ज हुए हैं। तो वहीं अब 76 केस अभी दफ्तर से बठिंडा पुलिस को मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पराली नूं अग लाउण दे नुकसान की ने, इहदे च जिथे इन्नियां बीमारियां फैलदियां ने, पोल्यूशन वधदा है, इहदे च कई बजुर्ग जिहड़े उहनां नूं साह दी प्रॉब्लम हो रही है, इहदे बारे उहनां नूं असीं गाइड कर रहे हैं। ईवन के जमीन दी जिहड़ी पराली नूं अग लाउण नाल उपजाऊ शक्ति भी जिहड़ी खत्म होंदी है, साडे जिहड़े मित्र कीड़े ने ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਜੈਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ DC ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਆਫਿਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਮੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਮੌਕੇ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਹਮੇ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪੇ FIR ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਔਰ ਉਸਕੀ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਹਮੇ NGT और सुप्रीम कोर्ट के भी जो डायरेक्शन चल रही है उसमें आया हुआ है। बट यस, कंपेयर टू पिछले साल बहुत फ़र्क है, बट स्टिल जैसे कि आज हमारी टीम्स DIG बठिंडा रेंज DC साहब और हम सब निकले हुए हैं। कलसेरा के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है और नंगल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में दो लोग सवार थे, जिनमें से एक को अधिक चोटें होने के कारण PGI रेफर किया गया। मेरा नाम गुलशन कुमार है। चार बजे फोन आया बंदे दो लड़के चक्कर देखा क्या हालत ठीक है पर बोल रहे थे एक ज्यादा सीरियस है वो साइड से लंबा पिया सा दूजा कुछ बैठे थे लत्त और इधर फ्रैक्चर हो गया तो जो असं उन्होंने पूछे तुम कितों के है तो एक उन्होंने एक लड़के ने बोलिया आप मेन मार्केट तो है मोती हलवाई के नाम मेरे घर है देशराज का मेरा बेटा अपना साहिल मेरा नाम तो उसने ये बताया तो दूजे ने पूछा मैं तुम जे लैन आए मैं दसो तुम गड्डी लैके आए तुम कौन है कितने आए कितने लैके चले इन्हों वो कहना अभी विशाल क्रैशर आए हैं जो किसी ने पूछा कह दौ अभी विशाल क्रैशर आए इन्होंने लैके चक्या तो उन्होंने चक अपना गड्डी च पा गए तो हॉस्पिटल वगैरह लै गए तो इस तो बाद पता फिर असी गड्डी वगैरह की फोटो वगैरह खिंचिया देखिया तो उन्होंने अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हाँ मेन मार मोती हलवाई के नाल जिनके उन्होंने बताया विशाल है साहिल साहिल उसका नाम है एक तो हालत ज्यादा गंभीर से एक फ्रैक्चर से बोल रहे थे गलबात कर रहा था पुलिस ने नौजवान के कत्ल के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए DSP सतवीर सिंह ने बताया कि दाना मंडी में हुए एक झगड़े के दौरान जसवीर सिंह उर्फ जस्सू का कत्ल हो गया था। इसके बाद मृतक नौजवान के पिता गुरुचरण सिंह के बयान के आधार पर रमनजीत सिंह और उनके कुछ साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसी सिलसिले में ये गिरफ्तारी की गई है। जी 28/10/2024 के पिंड की दाना मंडी दे शाम के करीब एक लड़ाई झगड़े की वारदात हुई सी जिदे विच ज़्यादातर पखो के पिंड दे ही नौजवान शामिल सी जिदे विच के इत्थों दे एक नौजवान जसमीन सिंह उर्फ जस्सू इहदी कतल हो गया सी इस लड़ाई झगड़े के दौरान ते तुरंत जिहड़ा पुलिस वालों कार्रवाई करदिया होया मुकदमा नंबर 144 अधीन धारा 103 190 191 351 ते 61-2 BNS थाणा सदर बरनाला विच दर्ज कर लिया गया सी। ये टोटल 12 दोषियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होया जिहदे विच 7 दोषी जिहड़े असी अगले दिन ही मिति 29/10/2024 गिरफ्तार कर ले सी जिन्हां दे विच रमनजीत सिंह गुरप्रीत सिंह हरजिंदर सिंह हरमनदीप सिंह एकमप्रीत सिंह सुखविंदर सिंह ये सारे पखो के पिंड दे ते इक मनदीप सिंह वासी रंगिया इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते बाकी जिहड़े 5 दोषी ने इन्हां दी गिरफ्तारी हले बाकी है। वारदात दे विच वरती गई एक स्विफ्ट गड्डी भी साडे वल्लों बरामद कर ली गई है। नहीं हुण तक दी जो फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।